महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी अपने पिता की राह पर चलते हुए शुक्रवार को एनसीपी अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होते ही पार्टी ने उनको टिकट देने का ऐलान कर दिया। इस बार भी वह अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। जिशान सिद्दीकी अभी तक कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस ने पार्टी से उन्हें निकाल दिया था। अजीत पवार गुट में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि एनसीपी के साथ काम करना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले के चुनाव में हमने एनसीपी के साथ काम किया था, अब एनसीपी में रहकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जो लड़ाई अधूरी छोड़ी थी मैं उसे पूरा करूंगा। मैंने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस को हर जानकारी दी है, इस बारे में मैं एक्स पर भी सभी से जानकारी साझा कर रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने लोगों के लिए अपनी जान गंवाई, हमारा परिवार ऐसा परिवार है जो हर किसी के लिए काम करता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए किसी का घर बर्बाद कर देते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे परिवार को न्याय मिलेगा। It's an emotional day for me and my family and I'm thankful to Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji for believing me in these tough times. And I have got the nomination from Bandra East, and I'm sure that with the love and support of all the people, I will definitely win Bandra East yet again.